नमस्कार मेडिफेस, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह को देखिए मैं गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट जो हमारे पास आ रहा है वो देखिए इंडियन नेवी से आ रहा है और इंडियन नेवी के अंदर देखिए वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर देखिये हर काम देश सेवा के नाम, हर काम देश सेवा के नाम। देखिए यहाँ पर 2500 पदों पर यहाँ पर नेवी के अंदर वैकेंसी है। इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि देखिए आपके नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डबल ए और एस एस आर की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। अब देखिए डबल ए क्या होता है, एस एस आर कौन सा पद होता है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो है इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर रिक्रूटमेंट 2022। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा जो वैकेंसी आपकी 2500 निकली है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल ए और एसएसआर क्या होता है। देखिए यहाँ डबल ए होता है आर्टिफिशर अप्रेंटिस, तो यहाँ उसके 500 पद हैं, और एसएसआर है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इसके आपके 2000 पद है। तो टोटल मिलाकर आपके यहाँ पर 2500 पद निकले हुए हैं। अब देखिए इसमें एज लिमिट क्या रहती है उस पर बात करने वाला हूँ। देखिये इंडियन नेवी के ए और एस एस आर भर्ती के लिए देखिए आपका जो जन्म है, मतलब अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के मध्य होना चाहिए, ठीक है। जबकि दोनों तिथियां भी सम्मिलित की गई, इसमें दोनों तिथियां भी सम्मिलित है। ये जो तारीख है एक ये भी सम्मिलित है और 31 जुलाई 2005 ये भी सम्मिलित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बोर्न है वो समझ में आ गया, उससे आपकी देखिए यहाँ पर एज आप निकाल सकते हैं कि आपकी क्या एज या इस बीच में आपका जन्म हुआ है या नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपके देखिए आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, 60% आपके नंबर होने चाहिए 12th के अंदर। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स मैथ एंड और क्या है केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इससे ये सब सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की, तो यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स मैथ वन ऑफ दी सब्जेक्ट, या तो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस हो, जिस तरह से डबल ए में था उसी तरह से यहाँ पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की फॉर इंडियन नेवी में इन पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बात करूंगा, देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देखिए यहाँ पर 12th के जो मार्क्स होंगे उस बेस पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका देखिए यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा PFT जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस के लिए क्या चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और देखिए यहाँ आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करनी है 7 मिनट के अंदर, ठीक है, वो प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उठक जो बैठक जो लगाते हैं वो 20 उठक बैठक यहाँ पर दी हुई है, और देखिए आपके पुशअप यहाँ पर 10 दिए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए कोई टाइमिंग यहाँ पर दिया नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो देखिए इंडियन नेवी द्वारा इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। आप ऑनलाइन जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, जिसमें कोई आवेदन फीस नहीं लगनी है। अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेता हूं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। देखिए अब आपके जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो 29 मार्च 2022 से होंगे, 29 मार्च से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 5 अप्रैल आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आवेदन आपके शुरू होंगे, उस टाइम ही आप आवेदन भर सकते हैं। अगर आप बाद में आवेदन भरेंगे तो देखिए हो सकता है कि आखिरी तारीख तक पहुंचते पहुंचते आप भूल जाएं, तो तुरंत प्रभाव से आवेदन भरिए, और देखिए डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। संदेश जिन दिन तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।